सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर चौकीदार को चोर बताना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भारी पड़ा और आखिरकार उन्हें कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी। मैं अपने बयान से सम्मानित कोर्ट को चोड़ने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा बयान जानबूझकर या सोच समझकर नहीं दिया गया था। मेरा निवेदन है कि इस माफीनामे को स्वीकार करते हुए अवमानना के मुद्दे को खत्म किया जाए। तीसरे हलफनामे में राहुल की जुबान से वो निकला जो बीजेपी सुनना चाहती थी। मामला कोर्ट कचहरी का था। दो दो बार राहुल की गोलमोल सफाई पर कोर्ट भी सख्त हो चुका था। अब कोई रास्ता बाकी नहीं था, लिहाजा राहुल ने सीधे सीधे ही मान लिया कि गलती हो गई, माफ कीजिए। कांग्रेस नेता इसे राहुल का बड़प्पन बता रहे हैं। राहुल गांधी जी में एक साहस है जो एक गलती को स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को नारा चौकीदार से चोरना राहुल गांधी जी मानते हैं कि गलती थी, पर ये देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी गलती कब मानेंगे। राहुल गांधी ने गलती मांगने का साहस दिखाया और दूसरी तरफ मोदी जी बेशर्मी से रोज झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में उनको क्लीन चिट दे दी। 14 दिसंबर 2018 को राफेल सौदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। 10 अप्रैल 2019 को कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई में लीक दस्तावेजों को शामिल करने की मंजूरी दी। कोर्ट के इस फैसले को राहुल ने अपने राफेल के अपने दावे में पक्ष में बताया। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा था कि कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना की याचिका दायर की थी। कोर्ट में दो बार दिए हलफनामे में राहुल ने माना था कि उन्हें चुनावी गहमागहमी में ये बयान दिया था। हलफनामे में राहुल ने अपने बयान पर खेद जताया था लेकिन माफी नहीं मांगी थी। लेकिन दो हलफनामे के बाद आए माफीनामे को बीजेपी चोरी और सीनाचोरी करार दे रही है। ये राहुल गांधी जी की जो बेशर्मी है उससे तो शर्मिंदगी भी शर्मिंदा हो रही है। ऐसे व्यक्ति जो कि चोरी और सीनाचोरी, यहाँ पर जो है वो इस गाली गैंग के गुरु घंटाल जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं, वहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री जी को औरंगजेब बताया जा रहा है। इस माफीनामे के बावजूद राहुल गांधी का चौकीदार चोर है वाला नारा जस का तस रहेगा, लेकिन बीजेपी को सुकून इस बात का है राहुल के अपने चुनावी नारे पर कोर्ट की मोहर लगवाने की कोशिश नाकाम हो गई।